أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين غاسل حقوقهم ومنكري فضائلهم. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا حسين فارف الصلوات. ایک اور سلوات ہے فرمان محمد و آل محمد. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، مختصر صحیح لیکن معتبر افراد متوجہ ہیں اس گفتگو کو سننے کے لیے، اور اسلام میں کبھی بھی تعداد معتبر نہیں ہوئی، ہمیشہ استعداد نے اعتبار حاصل کیا ہے. اس لیے کہ جب کبھی میں نے اسلام میں تعداد اور ڈیجٹ پہ نگاہ ڈالی، تب میں نے یہ دیکھا کہ 1,24,000 افراد تھے، 2,48,000 کان، لیکن کبھی بھی حدیث غدیر قلب میں کان نہ بن سکی. اور اگر افراد حسین کے ساتھ 71 ہوں تو بھی وہ اتنے معتبر ہو جایا کرتے ہیں کہ زندگی جس رخ سے ان کی دیکھی جائے ایک نقطۂ اعتدال پہ نظر آتے ہیں، نہ حسین سے آگے چلے گئے نہ حسین سے پیچھے رہ گئے. اور اطاعت کی منزل بھی یہی ہے کہ ہم آل محمد کو نقطۂ اعتدال پہ رکھیں، نہ ان سے آگے نکل جائیں نہ ان کے پیچھے رہ جائیں. یہی پیغام رسول اسلام نے غدیر میں دیا، اور اسی پیغام کو معراج بخشا حسین نے کربلا. 35 منٹ کی گفتگو میں مجھے جلدی جلدی آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے ہیں. پہلا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نصیب بھائی توجہ فرمائیں گے، باسلام صاحب توجہ فرمائیں گے. پہلا فطرہ یہ ہے، 13 رجب ایمان کے لیے جشن ہے اور 3 شعبان انسان کے لیے جشن ہے. 13 رجب ایمان کا جشن اور 3 شعبان انسان کا جشن. یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول مقبول بیٹھے ہوئے ہیں، امیر ممکنات داخل ہوئے، آپ نے فرمایا یا علی تمہاری محبت صاحبان ایمان کے دل میں ہے. ابھی یہ جملہ تمام نہ ہونے پایا تھا کہ بلا فصل امام حسین تشریف لائے، رسول اسلام نے مسکرا کے کہا حسین تمہاری محبت انسان کے دل میں ہے. تو ایک بات تو طے ہو گئی
कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं वो साहिब ईमान नहीं, और जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत नहीं वो इंसान नहीं। और मोहब्बत के इजहार का नाम ये जश्न है, जिससे मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि इस जश्न को हमारे दरमियान से, इस जश्न के चेहरे को मस्त कर दिया जाए, बिगाड़ दिया जाए। मैं अपने नौजवानों से इतना ही कहूंगा कि खुशी जिसके घराने की है हमें मनाना भी उसी के मिजाज से है। देखिए तीर जहां लग जाए हदफ वही होगा, आपने तवज्जो किया होगा, तीर जहां लग जाए हदफ वही होगा। अली और औलाद अली की मोहब्बत हमें दीवाना नहीं बनाती, बहलोले दाना जैसा बनाती है। जरूरत इस बात की है कि हम विलायते आले मोहम्मद के नशे में चूर हों, किसी किस्म का नशा करके आले मोहम्मद की विलायत का इजहार न करें। फिर मैं जुमला आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, हमें यह चाहिए कि हम विलायत आले मोहम्मद के नशे में मखमूर हो, चूर हो। हमें कोई नशा करके आले मोहम्मद की विलायत या विलादत मनाने का हक नहीं है, इसलिए कि अगर विलायत का नशा होगा तो मिट्टी का ठेला भी जन्नत के भाव बिकेगा। जरूरी नहीं कि बात को जोर से कही जाए, बात में भी जोर है। अगर नशा है विलायत का तो मिट्टी का एक अदना सा ठेला भी, एक सलाह दे दो मोहम्मद आ जाओ। एक और सलाह देना चाहता हूं, अगर विलायत का नशा दिल में है, अगर विलायत का नशा जहन पर सवार है, तो ऐसी सूरत में मिट्टी का एक छोटा सा ठेला यह कह के भेजा जाएगा कि जन्नत है, और खरीदने वाली ये तय करके खरीदेगी कि मैं जन्नत खरीद रही हूं। आपने तवज्जो किया होगा, खरीदने वाली ये तय करके खरीदेगी कि मैं जन्नत खरीद रही हूं, न इसे बेचने में गुमान वाके है न उसे खरीदने में शक वाके हो रहा। तो हर लम्हा नौजवानों में हमेशा कहता हूं कि अपने आप में जो अकले सलीम परवरदिगार ने रखा है उसे तोड़ने की कोशिश करें, उसे आजमाने की कोशिश करें। मैंने हमेशा ये कहा है कि देखो ना पाकिस्तान का नाम अदादारी है ना पाकिस्तान का नाम जश्न है। अच्छी भाई, ना पाकिस्तान का नाम अदादारी है ना पाकिस्तान का नाम जश्न है। हमें उन्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही रहे बहुत उम्दा है। हम जैसे हैं वैसे ही रहे। अगर कोई अली वारिस किसी भी किस्म के कसीदे को गाने की शक्ल में ढाल रहा है तो ये तय कर लीजिए कि उसके ये अमल से आपकी शरीयत में ये अमल जायज नहीं हो जाएगा। मुझे पता है कि जुमले पे दाग नहीं मिलेगी मुझे, लेकिन कोई गम नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को वीजा भी चाहिए वहां। मुझे परवाना चाहिए आले मोहम्मद की विलायत का, मुझे आले मोहम्मद की विलायत का परवाना चाहिए, कहीं का वीजा लगे न लगे। अगर अली ने अपनी विलायत का वीजा दे दिया तो मुझे कामयाबी को छूने से कोई रोक नहीं सकता। और एक जुमला, अगर आपके ताल्लुकात उस्तवार हो तो पहुंचा दीजिएगा, अली वारिस अपने आप का लकब रख लेने से कोई अली का वारिस नहीं हो जाता। आपने खुद को अली वारिस कहा है, अली ने आपको वारिस नहीं कहा है, आपने खुद को वारिस कहा है, अली ने आपको वारिस नहीं कहा है। लिहाजा मैं नौजवानों को समझाऊंगा कि इस किस्म के जितने भी कसीदे हैं बाकायदगी से यही वो होता है जिसमें खड़े होकर हमें इंतजार करने की जरूरत है कि आप कसीदा पढ़े, हमें न सिखाए कि इसमें इशारा क्या होना चाहिए, हिलाया क्या होना चाहिए, इसमें किस किस्म की म्यूजिक जायज है। जब मैंने अभी बिगड़ाऊ के करीब तकरीर किया और उसमें जुमला कहा तो एक साहब मेरे सामने मोबाइल लेके खड़े हुए, कहने लगे ये देखिए तालियां तो
ईरान मेरे लिए हुज्जत नहीं है, ईरान में तो उलमा है। आप कहेंगे मौलाना इस्लामी हुकूमत है, मोहम्मद अरबी से बड़ी इस्लामी हुकूमत है, मोहम्मद अरबी से बड़ी इस्लामी हुकूमत करना भी ना नहीं ना। उसी हुकूमत में अबू सुफयान भी रहता था, उसी हुकूमत में हिंदा भी रहती थी। जरूरत इस बात की है अगर हमारा कोई आलिम कर रहा और आप नहीं दिखा सकते मुझे इस किस्म की बातें, हमेशा इधर उधर मुझे देखने की जरूरत नहीं, पढ़ मैं रहा हूं मुझे देखिए। ये नमाज इश्क है, इसमें जहन और सोच अगर नाए माए हो तो नमाज बातिल हो जाती है। नमाज वाजिब में चेहरा नाए माए होने से रोको, नमाज इश्क में सोच। तो ये याद रखिए, ये जरूरी था बिल्कुल स्टार्टिंग में मुझे समझा देना कि ना पाकिस्तान का नाम जश्न के जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही करें, हम भी तालियां बजाएं, हम भी म्यूजिक लगा ले। नहीं, जिसके घराने की खुशी है मकसूद नजर वो साथ होनी चाहिए कि आया म्यूजिक से अली खुश होंगे। अली का जुमला यह है कि सबसे पहले जिसने दफ बजाया, जिसने ढोल बजाया, जिसने गाना गाया, हमजा का नाशा था हिम्मत जिगर खान, हमजा का नाशा था हिम्मत जिगर खान। और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है बताना, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, क्योंकि मुझे किसी का कोई खौफ नहीं। जो तबका गलत करेगा दिल खोल के सुनाऊंगा, किसी ग्रुप से किसी फाउंडेशन से कोई डर नहीं, ना किसी ग्रुप से कोई डर है, ना किसी फाउंडेशन से कोई डर है। नए नए फाउंडेशन बनते जा रहे हैं, अब तो हमारे मजहब में भी ऐसे लोग पैदा हो गए, सरकार आप ही का जुमला दोहरा रहा हूं, हमारे मजहब में भी ऐसे लोग पैदा हो गए जिन्हें समझने के लिए हमारे आज की तारीख बनी हो। हमारे मजहब में यानी जो चेहरा अली ने बताया था हमने उसे इतना मस्त कर दिया है कि अब बाकी के नहीं हमें समझना होगा। मुखालिफत इस वक्त महफिलों की हो रही है, कुछ साहब अमीर रोड में भी कह रहे हम तो महफिल वगैरह में नहीं जाते। अरे आपके ना आने से महफिल रुकेगी नहीं, आपको तो अभी तक यही तमीज हासिल नहीं हुई कि सदकाए इमाम जमान अलग है, सदकाए जान अलग है। एक ही डब्बे में इस भोली कौम के जश्न रुका था ना रुका है ना रुकेगा, आपकी मजलिस में शिरकत न करने से मजलिस नहीं रुकी। ये सोच लीजिए कि जिस दिन जनाब सैयदा ने अपना हाथ आपके से खींच लिया ना, उस दिन कहीं के रह नहीं जाएंगे। और ऐसे गिरोह से ऐसे ग्रुप से अपने बच्चों को बचाएं। नसीर साहब ये बताइए आले मोहम्मद की हदीस है या नहीं कि दीन दो चीजों का नाम है, या मोहब्बत का या अदावत का। दीन में दो ही चीजें हैं, या मोहब्बत या अदावत। अब दोनों का मेयार क्या है, चौदह से मोहब्बत, इनके दुश्मन से अदावत, यही मेयार है। अगर भाई छठे इमाम से पूछा गया कि मौला ये बताइए कि आपके चाहने वालों को पहचाने कैसे, सवाल सुनिएगा, आपके चाहने वालों को पहचाने कैसे, फला भी मोहब्बत करता है, फला भी मोहब्बत करता है, फला भी मोहब्बत करता है, इमाम के कहने नारी चाहे की पहचान मोहब्बत करता है। हमारी मोहब्बत की पहचान मोहब्बत कहाँ है भाई, सूरज रोशन है हर कोई कह रहा है रोशन है, फूल में खुशबू है हर कोई ऐलान कर रहा है कि फूल खुशबूदार है, आले मोहब्बत अच्छे है हर कोई ऐलान दुश्मनी कितनी है।
में मंदिर की तरफ 5-7 मिनट मुझे इस चीज पर बोलना था और मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया। अपने बच्चों को महफूज रखिए। जरूरी नहीं कि हर चमत्कार चीज सोना ही हो, हर चमत्कार चीज सोना ही हो। आइए उस मंदिर की तरफ सफर करते हैं जिसके लिए हम और आप जमा हुए हैं। 3 शाबानुल मुअज्जम सन 4 हिजरी। अपने बच्चों के लिए याद कर दूं कि इमाम हुसैन की हिजरी याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि हसन मौला में 3 हर्फ हैं सन 3 हिजरी और इमाम हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं सन 4 हिजरी। अब इंशाल्लाह आप इमाम हसन और इमाम हुसैन की सन हिजरी नहीं भूलेंगे। 3 शाबान और मुअज्जम को बेपनाह दुआओं के नतीजे में इमाम हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाए। परवरदिगार आलम ने जिब्रील को हुक्म किया बहुत जल्दी जल्दी यहां पर नुकात मुझे निकालने हैं, मैं निकाल लूंगा, सुन लेता ये। परवरदिगार आलम ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील 1,000 कबील लेके जाए मुबारकबाद देने के लिए। कितने कबील? 1,000। अब कबील को और आसान कर दो, 1 कबील में 10,00,000 फरिश्ते होते हैं। आसान है। इससे पहले जब भी फरिश्ते आए हैं ना 700, 7,000 और 70,000 बस। ये सिर्फ हुसैन है। परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया जिब्रील जाइए 1,000 कबील ले। 1,000 कबील, 1 कबील में 10,00,000 फरिश्ते। फिर इस कायनात का आनंद क्या होगा? फरिश्ते तो फरिश्ते, अहले सुन्नत से लेकर शिया तक की रिवायत इस बात पे मुत्तफिक है कि एक फरिश्ता जिसके पास पर मौजूद है वही जमीन और जमीन में जो शय है उससे बड़ा। एक फरिश्ता, 1 कबील में 10,00,000 फरिश्ते। यानी हुसैन ने आने से पहले जमीन को वो वसा दबा दी। तवज्जो किया होता कि इतने इतने फरिश्ते चले आ रहे हैं, आप मेरा मुंह क्यों देख रहे हैं? जो साइंस पढ़ते हैं वो अच्छे तरीके से वाकिफ है कि एक सितारा आपकी जमीन से करोड़ गुना बड़ा है, करोड़ गुना बड़ा है, लेकिन वो सितारा तेरे फातिमा पे आया या नहीं आया? तारीख बताती है कि आया। तो फिर दो बात मेरी मान लीजिएगा, एक तो ये यानी जो भी आए अपनी औकात में आए या फातिमा के दर में इतनी फुर्सत है कि एक सितारा क्या, अगर सारे सितारे टूट के आ जाए तो फातिमा के दर में जगह। अब ये भी बताता चलूं कि हर सितारे सितारे के लिए दो था, एक सलावत देना है सितारे के लिए दो ना, एक अंजुम यानी मैं एक कॉकअप, जो सितारे चमक रहे हैं उन्हें कॉकअप कहते हैं, जो सितारा तेरे फातिमा पे आ जाए उसे नजीब कहते हैं। हर सितारे को नजीब नहीं कहते, जो सितारा तेरे सैयदा पे आ जाए अमरे इमाम में किसी तरीके से मुईन हो जाए उसे ही नजीब कहते हैं। मौलाना नसीर साहब, इसमें मुझे आपसे और मौलाना हजरत अब्दुल्लाह से दुआ भी चाहिए, इसी नजीब से अंजुम है और इसी अंजुम से अंजुमन है। यानी अंजुमन अगर तेरे फातिमा से लगी हुई है, अपने आप को मस्त किए हुए हैं तो कामयाब है। जिस दिन तेरे फातिमा से रुख मोड़ा उस दिन कौकब तो हो सकती है अंजुमन आई। एक सलावत मेरे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंसान के लिए जश्न, इंसान के लिए जश्न। 3 शाबान को 1 कबील 10,00,000 फरिश्ते। परों की सरसराहट महसूस की। यहां से जुमले सुनिए,
आयतुल्लाह असद हैदर हाशमी थे। आपसे पूछा गया हुसैन किसे कहते हैं, उन्होंने कहा जिसका नाम सुनते ही मुजरिम के दिमाग में माफी। आज तवज्जो किया होगा आपने, मैंने अपने पद से बहुत बड़ा जुमला असद हैदर हाशमी का नकल किया है, कि जिसका जिसके नाम को सुनते ही मुजरिम के जहन में माफी जैसा नच उभर के आए, तारीख के आईने में सिर्फ उसे हुसैन कहते हैं। मुजरिम के जहन में माफी, और मुजरिम भी कहां का, यहां का नहीं वहां का, झूले में लेट के वहां के मुजरिम को माफी देके कायनात के हर अदाकार को हुसैन ने पैगाम दिया, देखो मेरे हुकूमत की वसत कहां पर है, अगर मैं झूले में भी हूं तो आज के मुजरिम को बख्शता हूं, और करबला आ जाऊं तो फर्श के मुजरिम को। पांच या सात मिनट और आपके दरमियान में मुखिर, इससे ज्यादा बख्श दिया, किस तरीके से बख्शा, बस पर मस्तिया झूले से और नए बालों पर नहीं। हम ये सोचते हैं कि वाकई उस फरिश्ते का बाल जल गया था और पर जल गया। जाइए किताब पढ़िए अल्लामा मजलिसी की, उन्होंने बड़ी वजाहत से याकूब तुलैमी ने भी लिखा है बड़ी तफसील के साथ, ना बाल जला था न पर। जुमला सुनिए जो उन्होंने लिखा अपनी किताब के अंदर, वो कहते हैं बाले इल्म जला था और परे अमल जला था। आज तवज्जो की और बात है, बाले इल्म और अमल के पर जल गए थे, यानी अब तुम्हारे जहन से हमने इल्म सब कर लिया और अमल के लिए तुम्हारे पास कुछ बचे या नहीं, तुम्हारा पर अमल सब कर लिया। हुसैन के झूले से मस होते ही बाले इल्म भी मिला, यही तो बताना चाहता हूं, परे अमल भी मिला। इसका मतलब इल्म और अमल अगर कहीं मिलेगा तो वो सिर्फ हुसैन के झूले से मस होते, ना हुसैन की मंसूब चीजों से मस होते। आप अगर कहीं और इल्म और अमल को तलाश करेंगे तो ना मिलेगा। इसलिए बड़ा खूबसूरत जुमला अल्लामा हाशिम बहरैनी और सद हैदर हाशमी दोनों का है, जब आपसे पूछा गया कि शिया किसे कहते हैं तो आपने फरमाया जो मजलिस में खुदा को न भूले और मस्जिद में हुसैन को न भूले, इसी का नाम शिया, जो मजलिस में खुदा को न भूले। भाई होना तो ये चाहिए कि मजलिस में हुसैन को न भूले, मस्जिद में खुदा को न भूले, लेकिन आरिफ आरिफ होता है, उसने कहा जो मजलिस में खुदा को ना भूले और मस्जिद में हुसैन को ना भूले। उसे पूछा गया क्यों, कहा तौहीद बचाने की जिम्मेदारी ली थी हुसैन, तो मस्जिद है ऐलान तौहीद की जगह, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जब आजान हो तो समझो आले मोहम्मद की जीत का ऐलान है, और जब मजलिस हो तो समझो यजीद के हार का ऐलान है। इसी का नाम और जश्न बाकायदगी से हमेशा हमेशा मनाया करे, किसी के रोकने टोकने से इस जश्न के आदोताब में कोई कमी नहीं आएगी। बस इतना ही होगा कि परवरदिगार आलम आपसे ये तौफीक लेके जीरो को तौफीक दे, कमी तो कमी नहीं देगी, किसी और को तौफीक दे देगा, तो डरिए उस दिन से जिस दिन जनाबे फातिमा ये तौफीक आपसे ले लेंगे, डरी यकीन है। हमें न जाने तारीख में कितने ऐसे शोरा खुतबा उलमा देखे हैं जिनसे तौफीक सलब हुई है, तारीख के आईने में ये सारे नाम मौजूद हैं। तो बस खौफ इस बात का है कि कहीं ये नौजवान बहक न जाए, लिहाजा अपने आप को आमादा रखें, सलीके के साथ जिंदगी गुजारे, ये देखें कि आले मोहम्मद ने हमें किस तरीके से जिंदगानी गुजारने के लिए कहा, किस तरीके से जिंदगानी गुजारने के लिए कहा है। हमारी मर्जी का नाम खुशी नहीं है,
ये वो मजहब है भाई जिसने जीने के भी कानून बनाए हैं और मरने के भी कानून बनाए हैं। आप उस मजहब को फॉलो कर रहे, लिहाजा जरूरत इस बात की है कि जो भी अमल अंजाम दे ये देखे क्या इस अमल से आले मोहम्मद खुश होंगे या नहीं। हमारी मर्जी का नाम इस्लाम थोड़ी, हमारी मर्जी का नाम ईमान नहीं है, हमारी मर्जी का नाम शरीयत नहीं है कि आप जो चाहेंगे उसमें दाखिल कर दें। रुमाल उड़ाया जा रहा है, कल तक हम हंसा कर रहे हमारे मजहब में ये चीजें दाखिल हो गई। मैं खुशी का मुनकिर नहीं हूं, मैं खुशी का मुनकिर नहीं हूं भाई, घर लुटाने रुमाल क्यों लुटाने, घर लुटाए ना चौथे इमाम की सीरत पे अमल करे। फिर जब पांचवें इमाम इस दुनिया में आए तो जितना आसान था सब राहे सदा में कुर्बान कर दिया। अबू तालिब के घर पर वली आए, जितना आसान था सब राहे सदा में कुर्बान कर दिया, तो खुशी ऐसी मनाए ना कि रुमाल उड़ाने का कोई तरीका नहीं, बल्कि फलाओं में विलायत जैसी चीज परवाज करे, इसके नाम इसका नाम खुशी। आले मोहम्मद भेजे गए सलावात प्रवास करिए। तकरीबन 10-15 दिन पहले भी मुंबई में 10 दिन बाद लौट रहा हूं तो शायद 11-12 दिन पहले भी चीज में काफी पुरजोर मैंने मरम्मत की थी और आज भी कर रहा हूं। फोन भी आए लोगों के कि आपने क्यों किया, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और तुम्हारे फोन से तुम्हारे चंद बात कह देने से शरीयत नहीं बदल जाएगी, रिश्ता तोड़ा तो जा सकता है, आले मोहम्मद के मुखालिफ से जोड़ा नहीं जा सकता। भाई यही तो आठवें इमाम ने कहा था, मन वासना लगना कातिर और कदा लगना वासना और मकान लगना आई पर और अकेला लगना मुखालिफ पर फलाई सा मिलना वलसना भी हो भलाई सा मिलना बरसना भी हो। अच्छी भाई एक एक जुमला यह है, फसील जैसा फसील जैसा फसील जैसा। आले मोहम्मद ने फरमाया जिसने हमसे रिश्ता तोड़ दिया उससे रिश्ता जोड़ना, जिसने हमसे जोड़ दिया उससे रिश्ता तोड़ना, या तो हमारी मदद कर रहा है उसमें ऐब निकालना, या तो हमारा दुश्मन है उसे इज्जत देना। ये चार चीजें ऐसी है कि इसका नतीजा बस ये होगा, भलाई सा मिलना बरसना भी हो, ना हम उससे है ना वो हमसे है। ना वो हमसे है ना हम उससे है, खुला ऐलान है आठवें इमाम, ना वो हमसे है भलाई सा मिलना वलस न मिल हो। उलमा बैठे हैं जहां पे लफ्ज लैसा आ जाए ना हर्फ लैसा, वहां जुड़ने के इम्कान खत्म हो जाते हैं। जो किया होता जुड़ने के इम्कान खत्म हो जाते हैं, यानी इमाम फरमा रहे कि जिसने ये चार काम कर लिया उससे ना हमारा रिश्ता कभी जुड़ सकता है ना वो हमारा कभी हो सकता। लिहाजा खुशियों में ये ना भूल जाए क्या ने मोहम्मद की तालीमात को, वो खुशी मनाए, दिरहमों दीनार निछावर करे, दिरहमों दीनार निछावर करे। ये चीजें भाई जब अली और फातिमा की शादी हुई खुदा ने शजरे तूबा को हुक्म दिया कि अपने हर पत्ते पे कयामत तक अली के चाहने वालों के नाम लिखो। जिसे आप परवाना कहते हैं ना, ये परवाना किसी कागज पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि वही शजरे तूबा का पत्ता परवरदिगार आलम हर एक चाहने वाले के हाथ में देगा। मैं तो इसे अगर ज्यादा जुमले में कहूं तो ये कहूंगा कि अली की शादी का कार्ड आपको वहां भी मिलेगा, वली में का एहतमाम जन्नत में रहेगा। बस इतना कह सकता हूं, लिहाजा खुशियां आले मोहम्मद की खुशी के साय में हो, आले मोहम्मद के गम के साय में। बस समेट लेना अपनी बात, आखिरी जुमला
امام حسین کا ایک دو امتیاز آپ کی خدمت میں مسرت کر رہا ہوں. یہ تو سوچا تھا کہ آج نو امتیاز امام حسین کے بیان کروں گا. امام حسین کا پہلا امتیاز یہ ہے کہ جس مہینے میں آپ آئے ہیں اس میں کوئی شہادت نہیں, اور جس مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی اس میں کوئی خوشی نہیں. کہہ دوں حرف آخر قیامت تک کے لیے یہ فکرہ, جس مہینے میں امام حسین آئے اس میں کوئی غم نہیں رکھا, جس مہینے میں امام حسین کی شہادت ہوئی اس میں کوئی خوشی نہیں رکھا. معبود کو بتانا کیا چاہتا ہے؟ کیا حسین کی خوشی میں غم نہ منانا اور حسین کے غم میں خوشی نہ منانا؟ اور مثل میں اس سے بہتر طریقے سے پیرو ہی نہیں سکتا. یہاں پہ صرف مثل پہ مجھے داد چاہیے. مشہور ہے علماء آداب کے درمیان کہ تین قیدت منحوس ہے, تیرہ قیدت منحوس ہے, نو قیدت بھی سائے میں آتے ہیں اور اٹھارہ بالکل آپ صحیح پہنچے. ذرا سا میں تفصیل میں کہنا چاہتا ہوں, تین کے مقدر کو بدلا حسین نے, تیرہ کی تبدیل کو تبدیل کی علی نے, نو ربیع الاول کو خوشی بخشی ہی دے زہرا اور اٹھارہ تو ہے ہی مدین. اسی لیے نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں کہ تین سے بھی جڑ جاؤ, تیرہ سے بھی جڑ جاؤ, نو سے بھی جڑ جاؤ, اٹھارہ سے بھی جڑ جاؤ. اس لیے کہ اگر ان تاریخوں سے رشتہ توڑا تو نہ تین میں رہو گے, نہ نو میں, نہ تیرہ میں, نہ اٹھارہ میں, اور کل ملا کے تین تیرہ نو اٹھارہ ہو جاؤ. آپ سب کی حاضری کو قبول کرے. جو محفل اور جشن کا رنگ میرا روڈ میں ہوا کرتا تھا وہ یقیناً بغیر کسی چوہ چرا کے کہہ رہا ہوں کہ بہت پیچھا ہو چکا ہے, افسوس ہے. اور بمبئی میں اکثر جگہوں پہ جشن کا رنگ پیچھا پڑ گیا ہے. یاد رکھیے میرا روڈ نصیب بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, جشن کے حوالے سے, پروگرام کے حوالے سے پورے ہندوستان میں ہم بتایا کرتے تھے کہ میرا روڈ میں اس میاں کا جشن ہوتا ہے اور آپ بتاتے ہوئے شرم آتے ہیں. میں اب یہ کہنا سے کہوں گا اس حصے کو کاٹ دیا, میں نہیں چاہتا کہ میرے علاقے کی برائی آپ چینل سے چلائیں, لیکن ضروری ہے کہ باتیں ہم اپنے بچوں کو ساتھ لائیں, ہم اپنے بزرگوں کو ترغیب دلائیں, بزرگ نوجوانوں کو یہ کہیں کہ جشن میں شرکت کرنی چاہیے. اور ایک اسی جشن کے لیے نہیں, پورے سال جو جشن ہو رہا ہے آپ اس میں شرکت کریں. ایک پہچان میرا روڈ کے ہر مسئلے میں تھی, لیکن دھیرے دھیرے آپ خود اسے کھوتے جا رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, اور اگر مودت میں کہیں سے کوئی کمی آ رہی ہو تو پروردگار عالم اس کمی کو مکمل کر دے, آل محمد سے اور بہتر طریقے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آل محمد کی ولا, آل محمد کی عزا سے ہمیں ہمیشہ منسلک رکھے. اے میرے اللہ تو واسطہ محمد و آل محمد کا, یہ جتنے شعرا یہاں جمع ہوئے ہیں, علماء کرام یہاں جمع ہیں, ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, اور ہم سب کو کربلا معاملہ نجف اشرف جنت البقیع سامرہ کاظمین مشہد مقدس اور تمام اطباء عالیہ کی زیارت کے شرف سے مشرف فرما. الحمدللہ رب العالمین.